हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल टेक्निकल दरवाज़ा। और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया जो ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड है। तो चलिए सीधा मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो बताया था कि एक मोबाइल नंबर आप ड्राइविंग लाइसेंस में कैसे अपडेट करें, वो ऑलरेडी आपको शेयर किया है। इसके अलावा अभी इसके और एक मैंने वीडियो शेयर किया था जो अगर आप मोबाइल ड्राइविंग लाइसेंस लॉस गुम हो गया है तो आप नाम से कैसे सर्च कर सकते हैं, वो भी ऑलरेडी मैंने उसका वीडियो बनाया है। तो अभी मैं आपको आज डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस कैसे एप्लीकेशन कर रहे वो आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए सीधा क्लिक करते हैं डुप्लीकेट अप्लाई फॉर डुप्लीकेट डीएल। इसके बाद हम सीधा जाएंगे ऐसा बहुत यहाँ पे डिटेल्स दिया है, आप पढ़ भी सकते हैं या फिर सीधा आप नीचे जाके कंटिन्यू कर सकते हैं। जो ये फॉर्म ए है, ये फॉर्म ए है। फिर आप यहाँ पे देखिए ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल सकते हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे डालना है और उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो पहले आप अपना हमारा मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल रहा हूँ, देन मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल रहा हूँ और उसके बाद गेट डीएल डिटेल्स पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं गेट डिटेल पे क्लिक करूँगा उसके बाद मेरा जो लाइसेंस की पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा कि मेरा फ़ोटो, सिग्नेचर, मेरा एड्रेस, पूरा ड्राइविंग नंबर वगैरह जो पूरा कौन से इसके लिए अप्लाई किया है वो सब डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं पूरा बाकी डिटेल डाल दूँगा, कौन से RTO में है, क्या है, उस पर प्रोसीड कर दूँगा। और जैसे ही प्रोसीड कर दूँगा आगे आप देख सकते हो, जैसे मैं प्रोसीड करता हूँ फिर से मैं पूरा कंप्लीट डिटेल जो मेरा ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस रहता है वैसे ही यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे ये देखिए मैं ये फिर से एक बार पूछता है कि कौन से एड्रेस पे जो डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस भेजना है। तो यहाँ पे देखिए आप इश्यू ऑफ डुप्लीकेट DL यहाँ पे क्लिक करना है, देन प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे देखिए वो रीज़न पूछ रहा है कि आपको क्यों डुप्लीकेट लाइसेंस चाहिए। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ कि मेरा जो डुप्लीकेट जो ओल्ड लाइसेंस है वो लॉस्ट हो गया है, गुम हो गया है, और ऐसा करके कंफर्म कर देता हूँ। जैसे मैं कंफर्म करूँगा वो आगे देखो डेटा एक्सेप्टेड सक्सेसफुल ऐसा करके मैं एक मैसेज आएगा, देन आपको एक अंडरटेकिंग्स ये करना पड़ेगा, फील करना है। तो यहाँ पे हम वो कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको सब क्लियर दिखता है कि आप सुन सकते हो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप क्लियर केयरफुल रीड कर सकते हैं और उसके बाद टिक मार्क कर दीजिए। जैसे देखिए मैंने मेरे हिसाब से मैंने ऑलरेडी सब टिक मार्क कर दी है, येस नो कर। जैसे कि डू यू सफ़र फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, तो जिस बहुत लोगों को कुछ नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, रातों कम दिखता है, तो उनके लिए येस नो कर दीजिए क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस रहेगा तो आपको तो ड्राइविंग लाइसेंस देना तो मुश्किल पड़ेगा। इसके लिए वो सब थोड़ा केयरफुली पढ़ के फिर आप क्लिक कीजिए। मैं पूरा टोटल सब जो भी है रूल्स जो भी उनके जो है पढ़ के उसके बाद येस नो किया है। और उसके बाद जैसे देखिए लास्ट में पढ़ रहा हूँ तो उसके हिसाब से मैं कोई डिजीज है क्या बता रहा है वो, तो नहीं है तो यस या नो करके देन आप आई हियर बाय डिक्लेयर करके देन सबमिट कीजिए। और जैसे सबमिट करेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन टू फिजिकल फिटनेस हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुल ऐसा एक मैसेज आएगा। फिर उसके बाद नीचे आएगा आई हियर बाय डिक्लेयर एट द बेस्ट माई नॉलेज, वो सब डिटेल जो भी डेटा सब सही है कि नहीं है पूछ बता रहा है। फिर उसके बाद ये करना है, फिर एक इमरजेंसी मोबाइल नंबर आपको मेंशन करना है, जो आपका मोबाइल नंबर है वो आप डाल सकते हो। यहाँ पे मैं मेरा मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ और देन जो भी ये है ये जो बाजू पर नंबर दिख रहा है वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ और उसके बाद सबमिट कर रहा हूँ। और जैसे ही सबमिट मैं करता हूँ मैं आगे प्रोसेस करता हूँ, जैसे मैं सबमिट करूँ मेरा जो टोटल कंप्लीट फील किया फॉर्म है वो दिखेगा। कुछ डेटा यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी पर्पस हाइड किया है, मेरा जो फॉर्म है पूरा डिटेल मैंने हाइड किया है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। और जैसे पूरा यहाँ पे जाएंगे आप यहाँ से प्रिंट एक्नॉलेज भी कर सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट कॉपी है उसको प्रिंट कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए आपको रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप नेक्स्ट कर सकते हो या तो प्रिंट एक्नॉलेजमेंट कर सकते हैं। पहले प्रिंट एक्नॉलेजमेंट करना बेटर रहेगा क्योंकि आपको फ्यूचर के लिए यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन नंबर है ये है सब आपके रिकॉर्ड के लिए होना चाहिए। इसके लिए मैं तो फिलहाल ये मेरा ये है रिकॉर्ड के लिए रख रहा हूँ। तो जैसे ये मैंने नेक्स्ट करूँगा उसके बाद
तो ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा डेटा भरता है पेमेंट के लिए, प्रोसेस करने के लिए बोल रहा है। तो अभी पेमेंट के लिए कैसे जाना है, तो डेटा बाकी सब तो दिख रहा है। ये देखिए मेरा पूरा फॉर्म दिख रहा है, मैंने सब कुछ डेटा यहाँ पे हाइड कर लिया है सिक्योरिटी पर्पस। और फिर नीचे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इसको ये कर लिया है, यहाँ पे बहुत सारे ये दिख रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे सर्विस ऑन है, ऑलरेडी डिटेल भर गया है। तो फी पेमेंट्स के लिए मैं यहाँ इस पर क्लिक करूँगा। आप देख सकते हो क्या क्या फीस आएगा। आगे डायरेक्ट पेमेंट के पोर्टल पे जाएंगे, अभी फ़िलहाल जा रहा है जैसे क्लिक करने के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे जो करना है पेमेंट 266 का करना है। इसमें कुछ बायोफाइकेशन दिया भी है, आप पढ़ भी सकते हो, देख भी सकते हो किस किस चीज़ का एप्लीकेशन फीस लगाया है इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने। तो आपको एक बार देख सकते हैं, एक मेरे पास अलग अलग चार्जेस है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग ये है। तो यहाँ पे मैंने ये क्लिक किया है, देन जो कैप्चा नंबर है या कैप्चा कोड है वो डाल दिया है, और देन पे नाउ पे मैं क्लिक करूँगा। अभी जैसे मैंने ये किया पे नाउ पे यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग मेरा ऑर्डर डिटेल वहाँ पे ऊपर आ ही रहा है। प्रोसीड फॉर पेमेंट करूँगा, आई एग्री करके प्रोसीड फॉर पेमेंट कर दूँगा। जैसे ही प्रोसीड फॉर पेमेंट करता हूँ मैं, मेरा जो भी डिटेल है फिर बैंक जो पेमेंट के ऑप्शन पे जाता है। तो देखते हैं कैसा हो रहा है, मैं बता रहा हूँ जैसे अभी थोड़ा घूम रहा है। ये देखिए ये आ गया SBI ई-पे पे आ गया। तो यहाँ पे आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या इंटरनेट बैंकिंग से भी पे कर सकते हो, भीम UPI से भी पे कर सकते हो। ये आपको बेस्ट रहेगा आई थिंक सो, क्योंकि आप बहुत सारे लोग मतलब UPI वॉलेट्स CSC वॉलेट है, तो ये तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया, आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।